चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने आम इंतखाबात की तारीख से मुतालिक सदर के खत का जवाब भी दे दिया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जवाबी खत में कहा है कि सदर ने कौमी असेंबली आइन के आर्टिकल 58(1) के तहत वजीर आजम की सिफारिश पर 9 अगस्त को तहलील की। इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 57 में 26 जून को तरमीम कर दी गई है और अब इस तरमीम से कबल सदर इलेक्शन की तारीख के लिए कमीशन से मुशावरत करता था। अब सेक्शन 57 में तरमीम के बाद इलेक्शन कमीशन को तारीख देने का इख्तियार है। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने गुज़श्ता रोज़ चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को खत लिखा था, जिसमें उन्होंने इलेक्शन कमिश्नर को मुल्क में आम इंतखाबात के इनेकाद के हवाले से मुलाकात की दावत दी थी। सदर अलवी ने आइन के आर्टिकल 224 का हवाला देते हुए लिखा था कि वो कौमी असम्बली के कबल अज़ वक्त तहलील होने के बाद 90 दिन की मुकर्रा मुद्दत में इंतखाबात कराने के पाबंद हैं। खत में कहा गया था कि सदर की जानिब से वज़ीर आज़म के मशवरे पर 9 अगस्त को कौमी असम्बली को तहलील किया गया था, जबकि आइन के आर्टिकल 48(5) के तहत सदर इस बात के पाबंद हैं कि वो असम्बली तहलील की तारीख से 90 दिन में आम इंतखाबात के इनेकाद के लिए तारीख मुकर्रर करें। यहाँ ये बात याद रखना ज़रूरी है कि 20 फरवरी को सदर आरिफ अलवी ने यकतरफा तौर पर 9 अप्रैल को पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियों के इंतखाबात की तारीख का ऐलान किया था। सदर का यकतरफा ऐलान दोनों असम्बलियों के इंतखाबात की तारीखों पर मुशावरत के लिए उनकी दावत को ECP की जानिब से नज़रअंदाज करने के बाद सामने आया था। ताहम अब सूरत हाल बदल गई है, क्योंकि इंतखाबी कवानीन में हालिया तरामीम के तहत चीफ इलेक्शन कमिश्नर को सदर के मशवरे के बगैर इंतखाबात की तारीख तय करने का इख्तियार दे दिया गया है। इस सारी सूरत हाल में बुनियादी सवाल यही है कि इंतखाबात की तारीख को लेकर जारी इस आइनी बहरान का ऊँट किस करवट बैठेगा। दोनों जानिब से दलाइल आइनी हवाले मुस्तकिल सामने रखे जा रहे हैं। एक ये कि सदर इख्तियार रखता है आइनी तौर पर सदर को ही तारीख देनी है, मगर आज सदर के खत का जवाब चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से दे दिया गया है कि वो मुलाकात की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि इख्तियार इलेक्शन कमीशन अपने पास रखता है, इसलिए तारीख का ऐलान वहीं होगा। इसी पर गुफ्तगू रहेगी। पैनल में हमारे साथ हैं अबसार आलम, मुनीब फारूक, इफ्तिखार अहमद और ज़ैगम खान साहब, आप चारों का बहुत शुक्रिया। सवाल इस तरह से, सदर मुमलिकत आर्टिकल 224 और 48(5), चीफ इलेक्शन कमिश्नर आर्टिकल 58(1) और इलेक्शन एक्ट का सेक्शन 57 में तरमीम, दावा और जवाब दावा, ये दोनों जानिब से, यानी कि एक कल खत लिखकर सदर की जानिब से मुलाकात की दावत दी गई कि इस आइनी बुनियाद पर आएं बैठें और इलेक्शन की तारीख दें, और आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से जवाबी खत, जवाबी दावा दे दिया गया है आर्टिकल 58(1) और इलेक्शन एक्ट 57 में जो तरमीम है कि आपके पास इख्तियार नहीं है। किसका दावा दुरुस्त है, कौन दुरुस्त बात कह रहा है, कौन इख्तियार रखता है, इस पर गुफ्तगू करेंगे। लेकिन साथ ये भी वाजे कर दें कि सदर मुमलिकत की जानिब से मजीद इस पर मुशावरत शुरू कर दी गई है कानूनी माहरीन से कि जो वो आइनी किरदार रख रहे हैं या जो इख्तियार रख रहे हैं वो किस तरीके से एक्सरसाइज होगा, जो जवाब दिया गया इस पर जवाब क्या देना है। मुनीर फारूक साहब, गुज़श्ता हफ्ते यही गुफ्तगू करते हुए आपका ये कहना था जब आपने पहली बार ये बात सामने हुई कि सदर मुमलिकत इख्तियार रखते हैं क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन जो है मदर डॉक्यूमेंट या प्राइम डॉक्यूमेंट है उसको फॉलो किया जाएगा, आइनी बहस शुरू हो गई है, दोनों जानिब से हवाले दिए जाने लग गए हैं, एक तरफ 224 और 48(5) है, दूसरी तरफ 58(1) और इलेक्शन एक्ट सेक्शन 57 है, अब किसे कहा जाए, कौन दुरुस्त बात कह रहा है, क्या सदर, मैं अब इसको अगर इस तरह कहूँ, आइनी किरदार से बाहर चले गए हैं या आइनी किरदार के अंदर ही अपना इख्तियार इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले तो जो सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब की ज़ात है और जिस तरह से उन्होंने ख़ुद को कंडक्ट किया है पिछले कुछ अरसे के अंदर, उसके अंदर उनका टिल्ट अपनी जमात की तरफ होना, शाह से ज़्यादा शाह का वफादार होना और कुछ ऐसे काम कर जाना जिनका ताल्लुक़ उनके मनसब से है, जिनका ताल्लुक उनके काम से है और उसमें वो बदनीति और चलाकी का एलिमेंट जाहिर होना, वो तो एक मेरे ख्याल में अब एक खुली किताब की तरह है। और मेरे ख्याल में सदर मुमलिकत को तो अपने अहदे से वैसे ही अलहदा हो जाना चाहिए, जो रिसेंटली उन्होंने एक मैं समझता हूँ बहुत बड़ा मिसकंडक्ट है ऑन पार्ट ऑफ द प्रेसिडेंट जो उन्होंने रिसेंटली किया है 2 बिलों के हवाले से, वो मुसविदा आया वो रेस्ट से हिस्ट्री जो सामने है। लेकिन देखिए, यहाँ पर जो सूरत हाल है, मसला ये है कि इसको समझा नहीं जा रहा। प्रॉब्लम ये है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आर्टिकल 48 के तहत सदर को इख्तियार नहीं, ये गलत परसेप्शन है। देखिए, सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि आपका जो आर्टिकल 48 है वो सब्जेक्ट का हिस्सा है जो कि प्रेसिडेंट का सारा काम है, प्रेसिडेंट के ऊपर एक पूरा चैप्टर है प्रेसिडेंट के किरदार के हवाले से, उसकी पावर्स के हवाले से। जो सेक्शन 58 का हवाला है वो पर्टिकुलरली डील करता है डिसोल्यूशन ऑफ दी असेंबली को। सबसे पहली बात, आर्टिकल 48 का आप उसको हेडिंग देखें, मैं सादा जबान में इसलिए बता रहा हूँ ताकि इसको ज़रा समझने में आसानी हो जाए। वो क्या है?
दैट इज़ अबाउट द प्रेजिडेंट टू एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। ये बात तो क्लियर है, इसके ऊपर तो कोई रह नहीं जाता है भाम। अब सदर मुमलिकत जब यहाँ पर बड़ा क्लियरली लिखा है कि सदर मुमलिकत ने जब उनको एडवाइस मिली, उन्होंने असेंबली क्यों तोड़ी, पहला सवाल, कैसे टूटी? वज़ीर आज़म की एडवाइस के ऊपर टूट गई। वज़ीर आज़म की एडवाइस के बगैर क्या सदर तोड़ सकते हैं? सदर के पास 58(2)(b) और वो सारा कुछ जो है वो 18वीं तरमीम के बाद एक्सटेंसिवली चेंज हो चुका है, तो सदर अज खुद तो अब असेंबली तोड़ ही नहीं सकते जैसे फारूक लगारी साहब तोड़ते थे। वो तो सिलसिला अब रहा ही नहीं है, उसकी हैयत ही तब्दील हो गई है। सदर के अहदे को एक टुथले सौदा वो बन चुका है, उसके पास ये इख्तियार नहीं है। दूसरी बात यह है कि जब आप 58(1) की बात करते हैं कि उसके तहत की गई, तो 58(1) क्या कहता है? 58(1) ये कहता है द प्रेसिडेंट शैल डिसॉल्व द नेशनल असेंबली इफ सो एडवाइस बाय द प्राइम मिनिस्टर। यहाँ पर भी ये है कि जो प्राइम मिनिस्टर है उसकी एडवाइस पे सदर एक्ट कर रहे हैं और उन्होंने किया असेंबली तोड़ दी। अब जो नहीं समझी जा रही बात, और मैं समझता हूँ वो इसलिए कि हमारे मुल्क के आइन के अंदर गवर्नर और सदर, इनके कुछ राइट्स को डिस्टिंक्टिव राइट्स कहा जाता है, यानी जिसके अंदर इनके पास इख्तियार है कुछ चीज़ों के ऊपर। जैसे सदर या गवर्नर जब ये नो कॉन्फिडेंस का सारा मामला होता है तो जो भी शख्स प्राइम मिनिस्टर को सदर कह सकते हैं, गवर्नर चीफ मिनिस्टर को कह सकता है, वो डिस्टिंक्टिव राइट है कि भाई आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें असेंबली से, दैट इज अ डिस्टिंक्टिव राइट। उसके लिए सदर को या गवर्नर को चीफ मिनिस्टर की एडवाइस की जरूरत नहीं है, सदर को प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस की जरूरत नहीं है, दे कैन एक्ट ऑन देयर ओन। अब आप आर्टिकल 48(5) को पढ़िए, देखिए आप आर्टिकल 48 क्या कहता है, वेयर द प्रेसिडेंट डिसॉल्व्स द असेंबली notwithstanding anything contained in clause 1, notwithstanding का मतलब क्या है, जरा इसको समझिए, बावजूद इसके, nevertheless, however, इसको मैं आसान जबान में समझा रहा हूँ, nevertheless anything contained in clause 1, अब clause 1 के अंदर क्या लिखा हुआ है, clause 1 के अंदर ये लिखा हुआ है कि president will act on the advice of the prime minister, which he did, तो कर लिया। तो आगे दो पार्ट क्या है 48(5) के, एक ये कि वो इलेक्शन अनाउंस करेंगे, दूसरा पार्ट कि वो केयर टेकर गवर्नमेंट्स बनवाएंगे, जो कि बनवाता प्रेसिडेंट ही है विद द कंसल्टेशन ऑफ द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन एंड आउटगोइंग प्राइम मिनिस्टर। वो ऑलरेडी चैप्टर हो गया, रोल की जरूरत भी नहीं पड़ी, वो सारा कुछ हो गया। यहां पर जो डेट का मामला है, देखिए ये बात समझनी होगी कि डेट के हवाले से ये आईन का आर्टिकल सदर को इख्तियार देता है, सदर ने क्यों नहीं दी डेट जब उन्होंने असेंबली तहलील की, क्योंकि जब प्राइम मिनिस्टर ने एडवाइस भेजी कि असेंबली तहलील करें तो उन्होंने साथ केयर टेकर मेंशन करके उस एडवाइस में भेजा, वो उनकी जरूरत नहीं पड़ी, अलहदा बात है कि प्राइम मिनिस्टर ऑपोजिशन लीडर में हो गया, पर सदर ने क्यों नहीं तब तारीख दी जिस वक्त उन्होंने असेंबली तहलील की समरी। मेरे ख्याल में सदर मुमलकत को बैड लीगल एडवाइस, एक दफा होता है, आप हम सब करते हैं, फर्स्ट टाइम में बैड लीगल एडवाइस टू द प्रेजिडेंट, नो आई थिंक ही हैज बीन गिवन दिस काइंड ऑफ एडवाइस, स्टिल ही, वैसे अब क्या मशवरा है उनके लिए, हम भी वी हैव प्लेथोरा ऑफ यू नो एग्जांपल्स जहां पर हम ये कह सकते हैं। लिहाजा जो मैंने बड़े इख्तसार के साथ कोशिश की समझाने की कि जब हम सारे दोस्त इसको एनालाइज करते हैं तो हमें ये चीज देखनी है, सदर का जो बैगेज है ना, उनका टिल्ट का और उनकी सद एहतराम, उनकी जो सदारत के ऐवान सदर के अंदर बैठकर उनकी जो रेशा दवानी है उनका, वो नहीं कही जा सकता, वो अपनी जगह मौजूद है, लेकिन यहाँ पर मैं वो बात कर रहा हूँ जो पाकिस्तान के आईन के अंदर इख्तियार मौजूद है। दो पॉइंट ऑफ व्यू अब सार साहब हमारे पास आ गए, एक कह रहे हैं नहीं जो कि इलेक्शन कमीशन कह रहा है, एक मुनीब साहब का जो पॉइंट ऑफ व्यू के सदर साहब कह रहे हैं कि उनके पास इख्तियार है। सर तो एक मुलाकात का मौका था कि आज बैठ जाते दोनों तरफ ही बैठ जाती, बैठ के बात करते और शायद के मसले का हल निकाल लेते तमाम बातें सामने रख के, क्योंकि अमरीकी सफीर से भी मुलाकात किया है चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने, तो अपने मुल्क के सदर से क्यों नहीं मिल बैठते, ना हमें बात का मौका मिलता, तारीख तय करते और अनाउंस कर लेते। आपकी बात से मैं आधी बात से मुत्तफिक हूँ कि अमरीकी सफीर से मुलाकात की है तो सदर से क्यों नहीं की, नहीं करनी चाहिए थी अमरीकी सफीर से मुलाकात। और लेकिन एक इतराज़ भी है मेरा कि हम सिर्फ इलेक्शन कमीशन के अमरीकी सफीर से मिलने पर इतराज़ क्यों करते हैं, ये किया है हमने। अभी पिछले दिनों शाह महमूद कुरैशी ने अमरीकी सफीर और भी बहुत सारे गैर मुल्की सफीरों से मुलाकात की, चीफ जस्टिस से भी मुलाकात की है। मैं तो आज के सिनेरियो में बात कर रही हूँ, बेशक कोई भी मुलाकात करे, मगर आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर दरख्वास्त रद्द कर रहे हैं ना कि जरूरत नहीं है बैठने की मुलाकात की, उन्होंने दरख्वास्त रद्द करना और जब दो टू डिफरेंट थिंग्स हैं, नहीं दो चीजें हैं, रद्द करना
और कहना की जरूरत नहीं है, दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं।